बात करेंगे मंगलौर की। हरिद्वार जनपद में पुलिस द्वारा लगातार नशे की गतिविधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल के मुताबिक उनके नेतृत्व में लगातार मॉनिटरिंग के लिए जरिए नशे से के सौदागरों पर गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लिया जा रहा है और बड़ी मात्रा में नशा माफियाओं की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति भी पुलिस ने सीज की है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हम लोगों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी नशे का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में संपत्ति सीजर की भी कार्रवाई हमारे के द्वारा की जा रही है और इसमें अब तक कम से कम काफ़ी बड़ी मात्रा में संपत्ति सीज की गई है, जिसमें अभी करीब 30 लाख से ऊपर की संपत्ति सीज हुई है। बाकी गैंगस्टर एक्ट में और संपत्ति सीज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और नशे में जो पॉकेट्स हैं हमारे यहाँ जहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उन लोगों को उसमें जो इस काम को कर रहे हैं और पीछे जो लोग उसको बैक कर रहे हैं उनका एक हम पूरा ट्रेस आउट कर रहे हैं। जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई हम करें।